स्वागत है नए पीके से हिंदुस्तानी एक खास खबर के साथ। सरकार ने किए हैं पुराने नियम और कानूनों में सुधार। अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे नियम और कानूनों में बदलाव कर दिया गया है, जिससे आम जनता को बहुत फायदा हो सकता है। अब चोर और गुंडे, बदमाशों, लुटेरों, स्मगलरों पर नकेल कसने के लिए पुलिस प्रशासन को पूरी पावर दे दी गई है। चोरों और स्मगलरों के हाथों में लगेगी हथकड़ियां, अब 23 घंटों तक थाने में रखा जा सकेगा। अधिकारियों को पूरी छूट दी गई है, पूरी छानबीन के बाद ही होगा मुकदमा दर्ज। झूठे मुकदमों व जालसाजी से लगाए गए आरोपों का भी होगा पर्दाफाश। पुलिस के पास 14 दिनों तक का समय होगा छानबीन का। बाकी सारी बातें थाना प्रभारी सचिव शिव कुमार ने मीटिंग के दौरान क्या क्या बतलाई हैं, खुद ही सुनिएगा। भाई सभी मौजूद आदमियों को, गांव के सरपंचों को बुला के इसके बारे में ब्रीफ करेंगे और समझाएंगे। इसमें जैसे कई संशोधन हुए हैं, पहले धाराएं आईपीसी की 511 थी, अब संशोधन करने के बाद 358 बना दिए। एसएससी आरपीसी थी पहले, अब भारतीय न्याय नागरिक सुरक्षा संहिता उसका नाम बदल दिया और उसमें भी धाराओं का चेंजमेंट किया है और पुलिस को कुछ पावर दी हैं, कोर्ट को कुछ पावरें दी हैं, सजाएं बढ़ाई हैं। जो अंग्रेजों में टाइम में कानून बना था उसमें जो त्रुटियां थी ना, उसमें काफ़ी संशोधन करके 2023 में नया कानून बनाया है भारत सरकार के नुमाइंदों ने और वो 1 जुलाई से लागू हो रहे हैं। उसके बारे में आज गाँव के सरपंचों को, सामाजिक आदमियों को, ब्लॉक समिति चेयरमैन को बुला के उनको उनके साथ विचार विमर्श किया है और उसका प्रचार प्रसार करने के लिए उनको मतलब समझाया है। जैसे आपने बताया कि अपराधियों को हथकड़ी लगा कर रखा जाएगा और 23 घंटे तक हिरासत में रखा जाएगा, तो उसके बारे में वो ऐसे है जो इनिस क्राइम है, संगीन अपराध हैं, उसमें पहले हथकड़ी लगाने की पावर नहीं थी। अब नए कानून में जो अपराधी हैं, हार्डकोर अपराधी हैं, जो हैबिचुअल अपराधी हैं, उनको हथकड़ी लगाई जाएगी सरेआम, ताकि उनकी बेइज्जती भी हो और पब्लिक में उनका खौफ ना रहे। और जो 23 घंटे वाली बात है, कोई भी गांव में सामाजिक आदमी है, अमन शांति भंग करने का प्रयास करे, कोई भाईचारे की पंचायत में भंग मतलब असामाजिकता फैलाए, उसको उसके लिए पावर दी है पुलिस को, वो 23 घंटे तक उसको आप कस्टडी में रख सकते हैं। अगर वो सुधर जाए ठीक है तो उसको आप भारी कर सकते हैं, उसको अरेस्ट नहीं करेंगे ना उसको कोई केस करेंगे। हमारा मकसद है समझाना, वैसे भाई वो अपनी गंदी हरकतों से बाज है। 3 साल से 7 साल हो इस जमे भी आपने कहा, उसमें 3 साल से 7 साल, 3 से जो 7 साल की सज़ा है, कम है इससे सज़ा। उसमें ये प्रावधान है कोई भी ये प्रति शिकायत झूठी महसूस हो रही है तो उसमें हम उसकी 14 दिन का टाइम इस कानून में हमारे को तस्दीक करने का दिया है, भी उसको वेरीफाई करो, अगर वो घटना सच्ची है, लगाए गए आरोप सच्चे हैं तो हम उस पर कार्रवाई करेंगे, नहीं तो उसको निरस्त कर देंगे। अगर आप अपराधी को पकड़ेंगे तो गांव में 2 आदमियों के बारे में भी कहा जा रहा, वीडियोग्राफी को अब नए कानून में ये भी डायरेक्शन दी गई है कि जब भी हम नई तफ्तीश करेंगे अब 1 जुलाई के बाद, उसमें केस में वीडियोग्राफी करेंगे, रिकवरी की, अरेस्ट करने की, बरामदगी की, तो उसकी वीडियोग्राफी करेंगे और गाँव के 2 स्वतंत्र इंडिपेंडेंट गवाह उनको साथ लेके उनके सामने सारी कार्रवाई करेंगे। जैसे आपने कहा कि उनको कोर्ट में फेस भी नहीं किया जाएगा गवाहों को, तो इसके बारे में अगर उनमें से ये महसूस करे गवाह भाई अगर मैं गवाही भी हुआ तो मेरे गांव में दुश्मनी हो जाएगी, तो हम उससे गवाही नहीं कराएंगे, उसका जो पूछताछ है डिटेल डाल देंगे चलान के अंदर, भाई ये मजबूरी के कारण इसको गवाह नहीं बनाया जा रहे हैं, तो वो उसको छूट है। जैसे सरपंचों ने भी कुछ सरपंचों ने सुझाव दिए हैं तो उस पर क्या अमल किया जाएगा? उस पर जो भी सुझाव दिए हैं उनके बारे में मैंने कोशिश में बता दिया, जो जो उनकी क्वेश्चन थे उसके बारे में मैंने जितना ज्ञान था उतना बता दिया। इस खबर में केवल इतना ही, बने रहेगा वीआईपी न्यूज हरियाणा के साथ।